हेलो, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। हाउ आर यू टुडे? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं। क्या आप स्टडी एंजॉय कर रहे हैं? देखिए, मैम ने आपको अपनी प्रीवियस क्लास में बहुत सारी मात्राएं कराई है। हमारे जो स्वर वाली मात्रा थी, वहां तक हमने मात्रा फिनिश कर दी है। आज मैम आपको करवाएंगी। मैम ने देखिए उससे एक्स्ट्रा मैम ने कौन कौन सी मात्रा कराई थी? उससे एक्स्ट्रा मैम ने आपको कराया था आधे व्यंजन वाली मात्रा कराई थी ना आपने। उसकी अगर घर पे प्रैक्टिस की है तो आपको पता होगा, अगर नहीं की है तो आपको पता नहीं चलेगा। आज हम एक और नई मात्रा सीखने वाले हैं। कभी आपने कोई शब्द देखा है जिसके ऊपर ऐसी मात्रा होती है? लाइक जैसे सी फॉर कैट बनाते हैं ना हम, देखा है आपने ऐसे? तो इस मात्रा को क्या कहा जाता है, पता है आपको? र र की दो मात्राएं होती है, इसे हम बोलते हैं रेफ। और एक होती है नीचे, हम छोटा सा ये स्लैश बनाते हैं, क्रॉस वाला स्लैंटिंग लाइन, और एक हम उल्टा वी बनाते हैं। तो ये भी र है और ये भी र साउंड करते हैं। ये र रेफ की मात्रा है और इसे हम बोलते हैं रपदीन। तो आज हम रेफ की मात्रा लर्न करने वाले हैं। देखिए, र रेफ, बिकॉज इस मात्रा को जब भी हम किसी अक्षर के ऊपर लगाते हैं तो उस अक्षर के साथ कौन सा साउंड आएगा? र वाला साउंड आएगा। जैसे बर्फ, तो ब र फ। अगर आपने लिखा है ब और फिर आपने र लिखा और फ, तो ये बन गया बर्फ। तो ये तो गलत है, रॉन्ग है। बर्फ यानी ब का भी साउंड आ रहा है, ब के साथ र का भी आ रहा है और फ का भी। तो इसलिए इसके ऊपर मात्रा लगती है ये वाली, इसको बोलते हैं र रेफ की मात्रा। ओके, और आज हम यही र की मात्रा, आज हम र की मात्रा का एक नया रूप सीखने वाले हैं। और र का आधा रूप है, जो ये र है ये र का आधा रूप है। आपने र लिखा, लेकिन अगर आपको आधा र लिखना है तो उसके लिए आपको ये बनाना पड़ेगा। इसीलिए बर्फ में पूरा र नहीं आता है, आधा र आता है। तो आधा र आप कैसे लिखेंगे? इसीलिए हम अक्षर के ऊपर ये बनाते हैं बर्फ। तो इससे पता चलेगा कि आधा र सर्फ। अब हम सर्फ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। हम बर्फ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे। हम बोल रहे हैं बर्फ। तो इसमें जो र का पार्ट है वो बहुत कम आने वाला है, इसलिए उस कम पार्ट को हम कैसे शो करेंगे? ये वाली मात्रा लगाकर। ठीक है, और इस मात्रा को जब हमारा साउंड आता है, साउंड के बाद जो भी हमने मान लीजिए व्यंजन बोला है ब, ब के बाद आ रहा है बर्फ, तो हम ब के ऊपर नहीं बनाएंगे, र के साउंड के बाद जो अक्षर आ रहा है उसके ऊपर हमें ये मात्रा लगानी है। ठीक है, तो चलिए हम रीड करेंगे अब कुछ शब्दों को। जैसे ब र फ, बर्फ। नर्स, नर्स। अब यहां पर न र स, तो ये तो बन गया नरस, ये गलत है, राइट है नर्स। तो इस र से पता चल रहा है कि इस शब्द में आधा र आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है च र च, चर्च। अब आप च र और फिर च लिखेंगे तो ये बन जाएगा चरच, लेकिन चरच नहीं होता है, क्या होता है? चर्च। चर्च में कौन जाता है? क्रिश्चियंस आते हैं प्रेयर करने। अब यहां पर हम इसी मात्रा से रिलेटेड शब्द लर्न करेंगे, जैसे बर्फ। आप देख रहे हैं ब के बाद साउंड आ रहा है और हमें र के बाद जो अक्षर आ रहा है उसके ऊपर मात्रा लगानी है। बर्फ, सर्प,
शर्म, वर्ष, फर्श। तो यहां पर बहुत कम र का पार्ट आने वाला है, इसलिए हम ऊपर र रे फली मात्रा लगाएंगे। पार्क, दर्जन, पर्वत। अब आप सोचेंगे यहां पर र नहीं है, लेकिन प के बाद व है ना, व के ऊपर ये लगा हुआ है, तो हम रीड करेंगे पर, फिर नीचे आएंगे वत, पर्वत। उसके बाद है दर्पण और आशीर्वाद। आशीर, ऊपर हमने र रीड किया और फिर वाद, आशीर्वाद। ठीक है, अब इन्हीं से हम रिलेटेड वाक्य लर्न करेंगे, जैसे फर्श साफ कर। फर्श यानी फ्लोर साफ कर। अब आप ये देखेंगे सूर्य में दो मात्राएं हैं, मैम ने आपको ये लर्न कराई थी, ये कौन सी मात्रा है? ऊ वाली मात्रा। तो सूर्य निकला, सूर्य का एक और नाम भी है सूरज, सन। पर्वत पर चढ़, पर्वत पर चढ़। अब जैसे यहां पर हमें इन्हें लिखना भी है, तो चलिए लिखना स्टार्ट करें। जैसे क, अब देखिए लिखा है कर्म, कर्म नहीं है कर्म, तो क म, और हमने इसको म के ऊपर लगाना है, और हमेशा ये अक्षर के ऊपर लगती है कर्म। फिर नेक्स्ट है वर्षा, तो हमने व लिखा और शा बनाया और इसके ऊपर ये मात्रा लगा दी। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज अर्पण, तो हमने यहाँ लिखा अ, फिर प के ऊपर हमने ये मात्रा लगाई और अना, अना, इट्स अर्पण। नेक्स्ट है धर्म, ध लिखा, म, म के ऊपर हमने मात्रा लगाई धर्म। मुर्गा, ओ की मात्रा और ग पर र, मुर्गा, मुंह के बाद आ रहा है र का साउंड, तो मुर्गा। पदार्थ, तो ये बन गया पदार्थ। तो बेटा ये वाले जितने भी शब्द हैं, जो ये पिंक वाले पोर्शन में है और नीचे ब्लू वाले पोर्शन में है, इनको आपको घर पर प्रैक्टिस करनी है अपने डिक्टेशन क्लास के लिए। ठीक है, अब ये र रेफ की मात्रा थी, र की एक और मात्रा है, लेकिन वो हम करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए आप घर पर इसे रीड कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी असाइनमेंट है वो आपके पास पहुंच जाएगा, आप उसे कंप्लीट कीजिए और मैम का वेट कीजिए। टेक केयर एंड गुड बाय।